हमने कैपिटल एम निकाला। कंफ्यूजन यहाँ दूर होती है जो, या कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, इसको बड़े ध्यान से समझना। वो आपको जानबूझ के दो कॉइल्स देगा और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं देगा, R1 एंड R2। और जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि एरिया कौन सा लूं, पाई R1 स्क्वायर की पाई R2 स्क्वायर। न्यूमेरिकल में नहीं पता लगता कि R1 लेना है कि R2 लेना है। तो एक शॉर्टकट बता रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, एक ही रूल लगाना, एक सोलेनोइड बड़ा होगा एक छोटा होगा, आपने छोटा एरिया ही लेना है, कॉमन एरिया बोलते हैं उसे, कॉमन एरिया। दोनों सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन कॉमन एरिया से ही कैपिटल एम जनरेट होगा, अनकॉमन एरिया से बिल्कुल जनरेट नहीं होगा। तो कॉमन एरिया ही कंसिडर करना है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो अगर एक एरिया बड़ा गिवन होगा और एक छोटा गिवन होगा, आपने बड़ा एरिया नहीं लेना, आपने हमेशा छोटा एरिया ही लेना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, लेंथ तो मैंने बताई थी कॉमन होती है, एरिया की प्रॉब्लम होती है मेन जो होती है। तो इसके अंदर अगर आप रिजल्ट्स को देखें, पहले आप एक काम करें, फॉर्मूला रजिस्टर में ये फॉर्मूला आपने नोट कर लें, कैपिटल एम का फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्शन का ये फॉर्मूला नोट कर लें, हमने ड्राइव भी की है, वेयर कैपिटल ए इज दी छोटा एरिया। नेक्स्ट है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बुक्स ये यूज करती हैं फॉर्मूला, कैपिटल एम का ये फॉर्मूला यूज करती हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करती हैं? म्यू नॉट इनटू N1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, N2 का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू A इनटू L, L से L काटेंगे तो देखो आंसर सेम आ गया। तो तुम ये यूज करो या ये यूज करो, एक ही बात है। और वो नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एरिया पाई R1 स्क्वायर छोटा लिखा हुआ है, मैंने आपको वर्बली बता ही दिया कि यहाँ पर एरिया हमेशा छोटे का लिखेंगे। तो आप प्लीज ये दोनों फॉर्मूलाज अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें। तो नोट कर लें, अब स्मॉल N1 स्मॉल N2 की टर्म में भी कैपिटल आ गया, कैपिटल M आ गया, और N1 N2 की टर्म में भी कैपिटल M की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक ठीक है ना? यहां तक ठीक? तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अब जो कैपिटल M की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। बताया ना कैपिटल एम के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, किससे बना हुआ है कैपिटल एम? N1 N2 से बना हुआ है। नेक्स्ट, कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने क्या बताया? कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि कैपिटल ए का मतलब कॉमन क्रॉस सेक्शन है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल के अंदर छोटा क्रॉस सेक्शन लेना है जो कॉमन होगा, ये रहा। नेक्स्ट है रिलेटिव सेपरेशन, कितनी दूर कॉइल है कितनी पास कॉइल है उस पर भी डिपेंड करती है, पर वो फैक्टर हमने इसमें कंसिडर नहीं किया, हमने दोनों को बहुत पास कंसिडर किया है, तो हमने वो दूर दूर वाला कैपिटल एम यूज ही नहीं किया और हमारे सिलेबस में है भी नहीं। और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है, हमने अपने सिलेबस में ये ओरिएंटेशन स्टडी की है काफी पास हैं, हमने वो नहीं यूज किया, अगर वो यूज करेंगे उसमें कैपिटल एम जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी इस तरफ है, इसका ये कॉइल भी यूज ही नहीं कर पाएगा, तो इसलिए कैपिटल एम आएगा ही नहीं। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है आपने कॉइल्स को कितनी पास सही तरीके से रखा हुआ है। तो ये कैपिटल एम के फैक्टर्स हैं जिस पे कैपिटल एम डिपेंड करता है।